थाउजेंड बर्गर्स कुकिंग चैलेंज। किरल नाम के गांव में पटवारी नाम का एक आदमी का बंटी नाम का एक बेटा था। वो बहुत आलसी था, कभी कोई काम नहीं करता और सोते ही रहता था। एक दिन सो रहे बंटी के पास आकर पटवारी, रे भैंस कहीं के हमेशा सोते रहते हो, 500 बर्गर्स का ऑर्डर मिला है, आकर मेरी मदद करो। नींद से जागकर बंटी, क्या है पिताजी, सुबह सुबह मदद करना है? आज मोबाइल में न्यूज़ नहीं देखा क्या आपने? बर्गर्स बेचने वालों को जल्द ही अरेस्ट करने वाले हैं। पटवारी, अरेस्ट क्यों रे, हमने कुछ गलत थोड़ी किया। बंटी, गलती तो नहीं पिताजी, बर्गर्स ज्यादा खाने वाले लोग मोटे होते जा रहे हैं, इसलिए बर्गर बनाने वालों को अरेस्ट करके फांसी लगाने वाले हैं। लेकिन करीब 50 बर्गर बना सकते हो, ऐसे परमिशन दिए हैं। यूं कहा पटवारी, रे कमीने, काम से छुटकारा पाने के लिए ऐसी झूठी बातें कह रहे हो, पहले उठो काम के लिए। कहने से वो कुछ नहीं कर सका और पिता की मदद करने आ गया। कुछ बर्गर्स बनाने के बाद बंटी फिर से सोने लगा। कुछ नहीं कर सका तो बेचारा पटवारी खुद अकेले बर्गर्स बनाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद पटवारी के पास पटेल नाम का उसका एक दोस्त आया। अब पटवारी अपने बेटे के बारे में सब बताया। वो सुनकर पटेल, अरे भाई तुम्हारा बेटा तो आलसी है, मेरा बेटा तो एकदम फुक्कड़ है, दोनों से हमें नुकसान ही है, क्या करें समझ नहीं पा रहे हैं, क्या जिंदगी है ये। कहने से पटवारी, रे फुक्कड़ है तो ज्यादा से ज्यादा दो लोगों का खाना खाएगा, बस वही ना। यूं कहा पटेल, अरे वो थोड़ा नहीं खाता, तुम्हारे 500 बर्गर खा सकता है। हमारे बेटे के वजह से आसपास वाले फुल मील्स का बोर्ड निकाल रहे हैं, सिर्फ प्लेट मील्स ही दे रहे हैं, जानते हो। यूं कहा पटवारी, रे तुम जो बोल रहे हो उसके हिसाब से मुझे एक आइडिया मिला, हमारे बेटे एक दूसरे को नहीं जानते, तो मेरे बेटे से 1000 बर्गर्स खा जाने की शर्त लगाए, अगर उसके लिए बनाते हुए वो नहीं खाया तो तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं होगी कहता हूँ, और तुम अपने बेटे से कहो कि 1000 बर्गर्स खा ले तो जिंदगी भर बर्गर्स फ्री कहेंगे, क्या कहते हो। पटेल, अरे मेरे बेटे के बारे में तुम नहीं जानते रे, वो 1000 बर्गर्स खा जाएगा तब तुम्हारी दुकान ही नहीं तुम्हें भी चबाकर खा जाएगा, और अगर मेरा बेटा हार गया तो तेरा बेटा बिना काम के आराम से आलसी बन जाएगा, इससे हमें तो नुकसान ही है ना। पटवारी, क्यों नेगेटिव सोचते हो, दोनों में एक तो जीतेगा ना, एक सही हो जाएगा, फिर दूसरे को कैसे सुधारना है आगे सोचते हैं। कहने से पटवारी पटेल दोनों अपने घर जाकर अपने बेटों को 1000 बर्गर्स कुकिंग चैलेंज के बारे में बताए। वो सुनकर दोनों ने हाँ कह दिया। एक दिन 1000 बर्गर चैलेंज को रखा गया। बंटी जल्दी जल्दी बर्गर्स बनाना शुरू किया। बाहर मौजूद चिंटू उन्हें जल्दी जल्दी खाने लगा। ऐसे बंटी का बनाना चिंटू का खाना शुरू हुआ। ऐसे 300 बर्गर्स होने के बाद बंटी, ये क्या पिताजी, इतने खाते ही जा रहा है, पिछले जन्म में राक्षस होगा। पटवारी, हाँ रे मुझे तो उसे देखकर डर लग रहा है, जल्दी जल्दी खा रहा है, अगर हम हार गए तो उसे जिंदगी भर खाना देना होगा, वैसे नुकसान हो भी रहा है लेकिन चैलेंज को रोक दे क्या। बंटी, नो तुम चैलेंज रोक नहीं सकते, आज या तो वो या मैं जीत कर रहेंगे, जरूरत पड़े तो मैं जितने चाहे उतने बर्गर्स बनाऊंगा। कहकर और कुकिंग करने लगा। फिर कुछ देर बाद बंटी के बनाए बर्गर्स साइड में वो हटाने लगा। ऐसे 1000 बर्गर्स हो जब तक छिपाते रहा। अब जो बन गया वो दूसरी तरफ चिंटू को खिलाने लगा। अब 400 बर्गर्स के बाद चिंटू खा नहीं सका और, अब्बा मुझसे नहीं होगा रे भाई, मैं ये बर्गर नहीं खा सकता, मुझे खाना वाना कुछ नहीं चाहिए भाई, कहकर वहाँ से भाग निकला। अब वहाँ से बाहर आकर बंटी वो भी मुकाबले में हार गया है ये मानकर उस दिन से पिता के साथ शॉप में काम करने मान गया। अगले दिन पटवारी के पास आया पटेल, रे इतनी होशियारी से बर्गर्स छिपाकर एक तीर से दोनों को सबक सिखा दिए, तुम कमाल हो रे, कहकर पटवारी की प्रशंसा किया।